हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रा चल रहे हैं, तो हमें नवरात्रा का फास्ट करते हैं। तो वैसे फास्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें खा लेना चाहिए, वैसे भूखे नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए आलू का हलवा, इसकी रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल ही आसान है बहुत ही। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू, जिनको मैंने मैश कर लिया है। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया, लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है। और घी हमारा अच्छे से मेल्ट होने के बाद में मैंने यहाँ पे और आलू डाल दिए हैं। आलू को मैंने बारीक तरीके से मैश कर लिया है। आलू को आप किसी से भी मैश कर सकते हो, बड़े आसानी से हो जाते हैं। हाथ से भी कर सकते हो या फिर कोई फ्लैट कटोरी वगैरह लेके कर सकते हो, या फिर मैशर की सहायता से भी कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने आलू कढ़ाई के अंदर डाल दिए, उबले हुए आलू मैश करके। और अब हमें पलटे की सहायता से, या फिर मुझे तो छोटी जो चम्मच होती है उससे कंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी कम ही मात्रा में आलू का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि एक आदमी के लिए काफ़ी है ये। तो मैं एक आदमी के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा के लिए बना रहे हो तो थोड़ा वो पलटा ले सकते हो, उससे आसानी होती है। लेकिन यहाँ मैं छोटी चम्मच मुझे सही लग रही है, इसीलिए मैं इसकी सहायता से, थोड़ी सी गुठली भी रह जाती है तो हमें इससे आसानी से उस गुठलियों को अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से मैश कर ली है। चम्मच से कुछ तो पहले कर दी थी, लेकिन बाकी बची हुई अब कर दी है। और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे आलू को, जिससे इसमें जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी इसके अंदर काजू। आप चाहो तो कोई और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, किशमिश डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे काजू डाल दी है, और काजू को भी मैं अच्छे से यहाँ पे, ये है ना, फ्राई हो जाएंगे, फिर इसके साथ कलर चेंज हो जाएगा काजू को, अगर आप इसी टाइम काजू डाल देते हो तो सही है। तो ये देखिए, आलू का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है आलू का हलवा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। आप अगर थोड़ा सा हल्का खाने का मन करे तो आप कभी भी बना के खा सकते हो, इसको बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए, मैंने अब यहाँ पे डाल दिए आधी कटोरी के करीब चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद हो उतना। तो ये देखिए, हम चीनी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसी आलू के साथ। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, इसी बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप हाई रखोगे ना, तो ये जो हलवे का कलर है चेंज हो जाएगा, जो ना तो खाने में अच्छा लगेगा ना दिखने में सुंदर लगेगा। तो हमें अच्छा लगना चाहिए और सुंदर भी लगना चाहिए, इसलिए हमने कम आँच पे इसको पकाया है, तो इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये बिल्कुल अच्छे से पक भी जाएगा। तो ये देखिए, मैं चीनी हमारी अच्छे से पिघल चुकी है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दूँगी, तो इससे क्या है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मिल्क पाउडर डालते ही हमें चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि मिल्क पाउडर डालते ही गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो हमें नहीं बनने देना है। इसके अंदर अच्छे से चम्मच, छोटे वाली चम्मच से अच्छे से मैश करते रहना है, ताकि मिल्क पाउडर मावे का काम करता है यहाँ पे। मावे में कैसा टेस्ट आता है, वैसा ही मिल्क पाउडर में टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे इसके बिना भी बहुत अच्छा बनता है आलू का हलवा। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालना। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, पक चुका है बिल्कुल आसानी से तरीके से। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इस आलू के हलवे में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें इसमें अंदर डाल दी है, और ये हमारा पक चुका है, हमने कम आँच पे पकाया है इसको, तो इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये देखिए, हमारा जो आलू का हलवा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, मतलब जैसे ये पकता है वैसे ये जगह छोड़ने लग जाता है। तो ये देखिए, बिल्कुल हमें बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, ज़्यादा नहीं पकाना हमें इसको। तो बस मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है, और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दी है, और थोड़े से काजू भी डाल देंगे। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी इसके ऊपर चेरी, अगर आपको पिस्ता वगैरह पसंद है, बादाम, तो आप वो भी डाल सकते हो, क्योंकि फास्ट के अंदर ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेरी डाल दी, क्योंकि हमें चेरी ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मैंने काजू डाल दिए हैं, किशमिश डाल दी है, और चेरी भी डाल दी है। और बहुत ही सुंदर बना है हमारा हलवा, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
तो ये देखिए हलवा बनके रेडी हो चुका है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये हलवा रेडी हो जाता है, 5 मिनट लगते ही नहीं है, इससे पहले ये हलवा रेडी हो जाता है। तो ये देखिए आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। व्रत में ट्राई कर लेना है, फिर ऐसे भी अगर थोड़ा सा हल्का खाने का मन करे मीठा तो आप ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके पास में जो घंटे का निशान है उसको ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।